तो भाई आज हमारे पास 2024 अपडेटेड मॉडल टाटा नेक्सॉन का फेसलिफ्ट वेरिएंट एंड ये इस कार का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है। इस वीडियो में बात करें कार के प्राइस के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कार के लुक्स के बारे में, इंटीरियर और एक्सटीरियर सभी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले बता देता हूँ इस कार के प्राइस के बारे में। तो ये पर्टिकुलर मॉडल है इस कार का क्रिएटिव प्लस एस वेरियंट, जो कि इस कार का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है। अगर आप भी कोई कार देख रहे हैं 12-13 लाख के बजट में, तो ये कार आपके लिए एकदम मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। एंड सबसे पहले बताता हूँ इस कार के प्राइस के बारे में। तो इस पर्टिकुलर मॉडल के प्राइस रखे गए हैं 12.30 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस। एंड ये डुअल टोन वाला कलर है, अगर आप सिंगल टोन में लेते हैं तो आपको और सस्ता पड़ जाएगा। एंड अभी बात कर लेते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इस कार के अंदर मिलता है 1.2 लीटर का रेलवेट्रॉन पेट्रोल इंजन, जो कि 118 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाकी भी मेनली बात कर लेते हैं इस कार की सेफ्टी के बारे में, जो कि आजकल मेन मुद्दा है। तो टाटा नेक्सॉन ऑलरेडी 5-star रेटिंग अचीव कर चुकी है, जैसे कि हमें सबको पता ही है। कार फ्रंट व्हील ड्राइव रहने वाली है एंड 6-speed गियरबॉक्स से मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाती है। माइलेज की बात करूं तो 17-18 के समथिंग इसका माइलेज निकल कर आता है। और फीचर वाइज देखा जाए तो इस कार के अंदर में 6 airbags मिल जाते हैं, TPMS जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक असिस्ट एंड ABS VDBD जैसे सभी फीचर्स मिल जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये कार डिसेंट इनफ सेफ ही रहने वाली है। बाकी का जब मेनली बात कर लेते हैं इस कार के ओवरऑल एक्सटीरियर लुक के बारे में, तो डायमेंशन वाइज देखा जाए तो कार काफी हद तक बड़ी ही रहने वाली है। इस साइज के अकॉर्डिंग जो है देखा जाए तो इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ये कार एकदम परफेक्टली फिट होती है इस सेगमेंट में। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेते हैं इस कार के ओवरऑल फ्रंट लुक के बारे में। तो फ्रंट की साइड सबसे पहले यहाँ पर आपको LED DRLs मिल जाती हैं, जो कि इंडिकेटर्स का भी काम करती हैं एंड कोई भी एक्स्ट्रा इंडिकेटर के लिए पैनल नहीं दिया हुआ है। और नीचे की साइड में आपको मिल जाते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कोई भी फॉग लैम्प वगैरह यहाँ पर नहीं मिलते हैं। एंड फ्रंट की साइड में यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, फ्रंट पार्किंग कैमरा भी यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑफकोर्स। बाकी ब्लैक आउट इसकी रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, स्किड प्लेट मिल जाती है व्हाइट कलर की यहाँ पर, जो कि दिखने में काफी बढ़िया सूट कर रही है इसके ऊपर, इस कलर के ऊपर पर्टिकुलरली। टाटा का लोगो मिल जाता है, बाहर को निकला हुआ है थोड़ा सा ब्लैक आउट इसकी पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ इसकी फ्रंट ग्रिल मिल जाती है। बाकी बोनट का स्टाइल आप देख सकते हैं। वाइपर यहाँ पर आपको सिंपल वाले मिलते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर यहाँ पर मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल फ्रंट लुक ओवरऑल कुछ इस टाइप के निकल कर आते हैं कार के। कार के अंदर में 360 कैमरा भी मिल जाता है इसी वजह से। एंड बात करते हैं कार के साइड लुक के बारे में। तो साइड की तरफ यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी क्लैडिंग्स मिल जाती है मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ ही। टायर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको 8-16 inch के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। डिजाइन आप देख सकते हैं काफी फ्यूचरिस्टिक है, प्रोफाइल आप देख सकते हैं टायर की, और अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी काफी बढ़िया लगता है देखने में। बाकी क्लैडिंग जो है इस टाइप की मिलती है, पियानो ब्लैक की फिनिशिंग के साथ होती है, ज्यादा बेटर होती है। बाकी ORVM आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल विद ऑटो फोल्डिंग के फंक्शन के साथ मिल जाता है, विद कैमरा यहाँ पर आपको मिल जाता है, इंडिकेटर की प्लेसिंग यहीं पर ही है। बाकी डोर हैंडल यहाँ पर आपको बॉडी कलर मिलते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर के साथ ही। बॉडी मोल्डिंग्स वगैरह प्रॉपर है, पिलर्स आपको ब्लैक आउट मिलते हैं। बाकी क्वार्टर पैनल इसका स्टाइलिश सा मिलता है, क्योंकि इसका डुअल टोन वाला कलर है। बाकी ऊपर की साइड आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं सिल्वर कलर की, सनरूफ भी यहाँ पर आपको मिल जाती है, व्हाइट कलर की इसकी रूफ दी गई है एंड कुछ तरीके का इसके साइड लुक ओवरऑल। बाकी इसका व्हील बेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी खासी है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। रियर साइड के आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, फ्रंट साइड डिस्क ब्रेक है। बाकी ये बात करते हैं कार के रियर लुक के बारे में। तो रियर की साइड में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिल जाती है, जो कि इसका हाईलाइटेड पॉइंट है, और यहीं पर आपको ब्रेकिंग लाइट का सेटअप मिल जाता है। इंडिकेटर की प्लेसिंग भी आपको यहीं पर मिल जाती है, फ्लोटिंग काइंड ऑफ इंडिकेटर है इसके। बाकी वाइपर वॉशर एंड डिफॉगर यहाँ पर प्रॉपर मिल जाते हैं, वाइपर ये ऊपर की साइड है जो कि दिखेगा नहीं, स्पॉइलर वगैरह मिल जाता है एंड शार्फिन एंटीना भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। एंड ओवरऑल रियर लुक कुछ तरीके के निकल कर आते हैं। नीचे की साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं नॉन फंक्शनिंग में, एंड यहाँ पर आपको टाटा का लोगो के नीचे कैमरा भी दिया हुआ है, नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है, 2 parking sensors मिल जाते हैं, व्हाइट कलर की स्किड प्लेट भी दी गई है। स्पेयर व्हील इसके अंदर की साइड है, जो कि अभी दिखाऊंगा। मेनली रियर लुक कुछ तरीके का है। बात करें कार के बूट स्पेस के बारे में, तो मैग्नेटिक टेल के बटन के थ्रू ये पूरा ओपन हो जाता है एंड कुछ तरीके का इसका बूट स्पेस। एंड यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, बाकी ये 2 kg के हुक्स मिल जाते हैं, यहाँ पर लैंप वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं इधर की साइड आप देख सकते हैं। एंड 382 लीटर का बूट स्पेस है नंबर्स के अकॉर्डिंग। स्पेयर व्हील की प्लेसिंग आपको नीचे की साइड मिल जाती है, विद प्रॉपर टूल किट वगैरह यहाँ पर प्रॉपर मिल जाती है। स्टील रिम्स रहने वाले हैं, बॉटल होल्डर वगैरह भी दिए हुए हैं पीछे की साइड, एंड चार्जिंग सॉकेट होता तो ज्यादा बेटर होता। बाकी यहाँ पर आपके 3-4 bag प्रैक्टिकली यहाँ पर आराम से आ जाते हैं। एंड एक बार बंद कर देते हैं इसे एंड इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो जैसे इसके बॉडी कलर में डोर हैंडल एंड रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर। डोर पर आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाता है व्हाइट एंड ब्लैक फिनिशिंग के साथ, इवन ट्रिपल टोन में आपको ये मिल जाता है, जो कुछ इस तरीके का लगने वाला है देखने में। ऑल 4 power window कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आप सोचेंगे आप इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs के कंट्रोल्स कहाँ हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। यहीं से आप इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल विद ऑटो फोल्डिंग फंक्शन के साथ इसके ORVMs मिल जाते हैं, फोल्ड भी यहीं से हो जाएंगे। बाकी स्पीकर्स मिल जाते हैं इस मॉडल के अंदर, ट्विटर्स मिल जाते हैं, 4 speaker हैं और 2 tweeter मिलने वाले हैं। मैगजीन होल्डर प्रॉपर मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर यहाँ पर मिल जाता है, बॉटल होल्डर वगैरह सभी कुछ प्रॉपर मिलने वाला है। हाइट एडजस्टमेंट के साथ ये सीट्स रहने वाली हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट जो है कम है तो इसको आपको ऊपर कर सकते हैं, जिससे कि आपको सामने का व्यू अच्छा खासा मिल जाए। स्टीयरिंग व्हील इसका काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश रहने वाला है,
बाकी यहाँ पर भी आपको ये सॉफ्ट टच मटेरियल काइंड ऑफ मिल जाता है। ये ट्रिपल टोन की फिनिशिंग में रहने वाला है, ब्लैक एंड ब्लू इस फिनिशिंग, क्योंकि ये बाहर इसका ब्लू कलर है इसलिए यहाँ पर ये ब्लू कलर लगा दिया गया है। बाइक कुछ इस तरीके का है, अभी अंदर बैठ के बात करते हैं। इंटीरियर में आते ही सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल वाला, जिसे आप कंप्लीटली डिजिटल भी कह सकते हैं, वैसा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बीच की साइड जो MIT दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। यहाँ पर आपको इस बटन के थ्रू आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, सभी सेटिंग्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। TPMS जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अभी यहाँ पर टायर में हवा कम है तो यहाँ पर ये उस हिसाब से दिखा रहा है, ये वाला टायर में हवा सही है, बाकी ये सब जो है पटके पड़े हैं। बाकी यहाँ पर जो है कितने पैसेंजर बैठे हैं वो भी दिखा रहा है, सीट बेल्ट अलर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाता है। फ्यूल गेज एंड स्पीडोमीटर वगैरह सभी कुछ आपको डिटेल में मिलने वाला है। बाकी कुछ तरीके का इसका स्टीयरिंग व्हील रहने वाला है, टाटा का लोगो, ग्लोइंग वाला लोगो मिल जाता है यहाँ पर, क्रूज कंट्रोल वाले ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आपको, एंड यहीं पर ही आपको जो है वॉइस कमांड के फीचर मिल जाते हैं एंड कॉल कर एंड रिसीव के फीचर मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंट से भी कंट्रोल मिल जाता है, मीडिया कंट्रोल्स, एंड यहाँ से आप इसको इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, वायरलेस की कनेक्टिविटी के साथ मिलने वाला है, एंड सभी टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पर ही, एंड 360 डिग्री कैमरा के फीचर मिल जाते हैं, जिसके इस बटन को प्रेस करके आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का इसका व्यू आने वाला है, 2D एंड 3D व्यू आने वाला है। पार्किंग सेंसर्स वगैरह सभी कुछ आपको जो है यहाँ पर इंडिकेशन शो हो जाती है, विद डायनेमिक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ ये रहने वाला है, जो ही कुछ जिसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी खासी रहने वाली है। बाकी स्क्रीन का साइज तो इसका टॉप मॉडल वाला ही है। बाकी 6 एयरबैग मिलने वाले हैं इसके अंदर, एक पैसेंजर एयरबैग, एक ड्राइवर एयरबैग एंड कर्टेन एयरबैग्स वगैरह प्रॉपर मिल जाते हैं। IRVM इसका जो है ऑटो डिमिनिशिंग मोड के साथ मिलने वाला है, यहाँ से आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। LED में इसका लैंप रहने वाला है। फ्रंट सीट पर कोई भी मिरर वगैरह नहीं है, बस टिकट होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पर। ये पैसेंजर एयरबैग ऑन एंड ऑफ की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ से आप इसकी सनरूफ का एक्सेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल से ही आपको सनरूफ मिलनी स्टार्ट हो जाती है, इवन अगर आप बेस मॉडल में भी लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको सनरूफ मिल जाती है, तो जो कि ये काफ़ी बढ़िया अप्रोच है। एंड यहाँ पर आपको हैंडल्स मिल जाते हैं, पैसेंजर साइड वाले फ्रंट सीट पर आपको मिरर भी दिया गया है, लैंप सिर्फ आपको यहीं पर ही मिलेगा। एंड डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरीके का है, काफी स्टाइलिश था, काफी स्पोर्टी था इसका डैशबोर्ड लेआउट रहने वाला है। बाकी 6-speed गियरबॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाती है, एंड ग्लव बॉक्स के अंदर काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, कुछ इस तरीके का डीप स्पेस रहने वाला है, एंड ये कूल्ड में रहने वाला है प्रॉपर। कप होल्डर्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, इवन कप होल्डर्स आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, इकोनॉमी मोड, सिटी मोड एंड स्पोर्ट्स मोड मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर आपको ये चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, यहाँ से अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है यहाँ पर। ये पावर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट हो गया, कोई भी वायरलेस चार्जिंग पैड वगैरह इस मॉडल के अंदर नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है, ज़्यादा बेटर होता है, बस सिंपल ये छोटा सा स्टोरेज स्पेस दे दिया है, कप होल्डर काइंड ऑफ आप इसे कह सकते हैं। एंड कुछ तरीके का इसका ओवरऑल लुक रहने वाला है, डैशबोर्ड लेआउट। इसके अंदर जो है वो लेदर सीट अपॉर्चुनिटी के साथ नहीं मिलती है, वो सिर्फ आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलती है, क्योंकि वहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर सिर्फ फैब्रिक सीट अपॉर्चुनिटी के साथ मिलने वाली है। ये एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट मिल जाती है, कर्टेन एयरबैग मिल जाते हैं यहाँ पर, एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाती है। बाकी बात करूँ कंफर्ट की, तो यहाँ पर लॉन्ग राइड पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, हैंड रूम मेरे हिसाब से अच्छा खासा बच रहा है। अब हाइट एडजस्टमेंट के साथ सीट मैंने ऊपर कर रखी थी, अभी यहाँ पर आपको हेड रूम अच्छा खासा मिल जाएगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये कार काफी हद तक कंफर्टेबल ही रहने वाली है, इंजन वगैरह भी काफी अच्छी खासी पावर जनरेट करता है। रियर साइड के कम्फर्ट के बारे में, पीछे की साइड में यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, अगर यहाँ पर होता ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि हार्ट केवल यहीं पर ही टिकता है। एंड यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, स्पीकर्स मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर ये वाइट कलर की पट्टी दी गई है, ये ब्लूइश फिनिशिंग के साथ, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। एंड पीछे की साइड भी आपको फैब्रिक शीट अपॉस्टर मिल जाती है, आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट के साथ ही, एंड यहाँ पर हम्प काफी अच्छा खासा है, तो बीच वाले पैसेंजर के लिए दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट मिल जाते हैं, एंड कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड लेआउट आने वाला है, सनरूफ का व्यू कुछ इस तरीके का है। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह काफी अच्छा खासा मिल जाता है, पार्सल ट्रे पीछे की साइड है, एंड हेडरूम भी यहाँ पर अच्छा खासा है बिकॉज ऑफ दिस हम्प। इस हम्प की वजह से जो है हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, 6 फुट का आदमी भी आराम से बैठ जाएगा। अगर आपकी हाइट 6 फुट से थोड़ी ज्यादा है तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वैसे तो गाड़ी काफी ऊंची है, इतनी दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा नीचे को झुक के बैठेंगे आराम से बैठ जाएंगे, लॉन्ग राइड पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भाइयों ये था ओवरऑल टाटा नेक्सॉन का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट, यानी कि क्रिएटिव प्लस एस वेरियंट का कंप्लीट डिटेल रिव्यू। अभी कैसे आप मुझे कमेंट करके बताएगा ये पर्टिकुलर मॉडल आपको कैसा लगा, नेक्सॉन आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी कैसे आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएगा, अगर आपका बजट है 13 से 14 लाख का तो आप कौन सी कार लेना पसंद करेंगे इस बजट रेंज में। बाकी अगर आप इस कार को लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको कोई फ्रेंड इस कार को लेने के बारे में सोच रहा है तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।